हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज दे जो लेक्चर है साडा वो रहेगा आइसोमर्स के उत्ते, यानी बनतरी सम अंगक। पिछले लेक्चर दे विच असी होमोलॉगस सीरीज जो कर रहे सी चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, वो दे विच असी पढ़ चुके सी कि होमोलॉगस सीरीज एक तरह दे सम जाती लड़ी आ जिदे विच जनरल फॉर्मूला जड़ा हुंदा है वो एक तरह दा सेम हुंदा है, बट CH2 दे डिफरेंस नाल वो फैमिली मैंबर जड़े ने वो अगे अगे वधदे ने, यानी मोलेक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हुंदा। सो यह साडा है जी पार्ट नंबर 7 आइसोमर्स चैप्टर 4 दा एक सब पार्ट। सो इहदा इहनू अगर अंडरस्टैंड करना इस चैप्टर दे इस टॉपिक नू, ते असी इहनू 2 हाफ जो पार्ट्स ने उहनां च डिवाइड कर दिंदे आ। जिवें असी गल करदे आ आइसोमर्स यानी आइसो, ठीक है जी। सो आइसो दा मतलब हो जाएगा, देखो इत्थे इत्थे आइसो, आइसो दा मतलब है कि सेम या इक्वल, ठीक है। और मेरोस, मेरोस दा मतलब हुंदा एक ग्रीक वर्ड आ मेरोस, मेरोस मीन्स पार्ट्स, हिस्से। इहदा मतलब अगर मैं ना दोनों नू वर्ड्स नू जोड़ा आइसोमर्स, आइसोमर्स हो गया यानी सेम या सेम पार्ट्स या इक्वल पार्ट्स, इक्को जे लगन वाले, ठीक है। सो बनतरी मतलब स्ट्रक्चरल जिहड़ी स्पेशल अरेंजमेंट हुंदी आ उहनूं असीं बोल दिंदे आ आइसोमर्स दे विच, ठीक है। सो इहदा नाम आंदा सम अंगक, ठीक है जी। सम मतलब सेम, तुहानूं पता है, अंगक मतलब हिस्से यानी पार्ट्स। सो इत्थे अगर असीं गल करिए ते मैं तुहानूं इक एग्जाम्पल दे थ्रू ए पहला समझावांगी कि मन लो मेरे कोल ए है, कोई ए मैं 2 लिते एटम्स असीं मान के चलदे आ कि एक जिहड़ा कंपाउंड आ, ठीक है, ए मेरे कोल एक कंपाउंड है, ए भी मेरे कोल एक कंपाउंड है, ए भी मेरे कोल एक कंपाउंड, एंड ए भी सारे एक तरह के कंपाउंड्स ने। पर इन्हां कंपाउंड्स की गल करिए ते असीं सब तो फर्स्ट लैने इस नूं, फर्स्ट दे विच कंपाउंड की गल करिए ते इहदी अरेंजमेंट किवें, इहदे विच 2 ए ने, ठीक है। सो 2 ए दे एटम्स ने, कोई तत् जिवें आपां लैने आ, मान लैने आ कि आपां इहनूं किवें समझना विद द हैल्प ऑफ ए बी सी, ठीक है। 2 एटम्स ए दे ने, एक एटम बी दा और एक एटम डी दा और 3 एटम्स सी दे ने, ठीक है जी। सो इत्थे असीं देख लैने आ ए बी सी, ठीक है। सो ए है 2, बी है 1, सी है 3, उस तो बाद आएगा साडे कोल डी, डी किन्ना है 1, एंड उस तो बाद आएगा साडे कोल 1, 2, 3, 4 ही ने। सो बच्चों इत्थे असीं देख लिया कि ए है 2, ठीक है ना, 2 एटम्स लगे ने, एक कंपाउंड की गल करते हैं 2 लगे ने एटम्स, बी दे विच 1 एटम लग, 1 बी लगा एटम, 3 एटम्स ऑफ सी है और 1 एटम ऑफ डी है। सो असीं फर्स्ट की गल करते हैं, अगर असीं फर्स्ट की गल करते हैं तो वो 2 एटम्स इस तरह अरेंज ने, तुसीं देख सकते हो कि इस तरह, उहदे नाल एक बी लगा होया, फिर सी है, तो सी दे नाल ही 2 होर उहदी ब्रांचिस निकलियां ने सी दियां, सी एटम्स, और उस तो बाद लोंग चेन है। पहले सब तो पहला गल करा ए बी सी डी, सी इत्थे लगा एंड ए इत्थे लगा, ठीक है। सो इहदे विच भी 2 ए ने, 1 बी है, 1 डी है एंड 3 सी है। नाउ ऑन मूविंग फर्दर सैकेंड ते असीं पहुँचते हाँ, सैकेंड की गल करिए तो इत्थे तुसीं देखो 2 ए ने, ठीक है, 1 बी है, 1 डी है एंड 3 सी ने। सो ए भी सेम, जिन्ने इहदे च ने उन्ने ही एटम्स इहदे च ने और इक्वल एटम्स ने, ठीक है। बट इत्थे अरेंजमेंट फर्क आ गया, ठीक है ना, उहदी बनतर चेंज हो गई। सो ए दे नाल डी लग गया, ठीक है ना, सो इत्थे सी बैक साइड ते चला गया, बी थोड़ा शिफ्ट हो गया, सो इस तरह दी अरेंजमेंट हो गई। बट अगर मैं थर्ड दी गल करा, इहनूं असीं थर्ड नाम दे दिंदे आ, थर्ड दी असीं गल करिए ते थर्ड दे विच वी तुसीं काउंट करो 2 ए ने, 1 बी है, 1 डी है एंड 3 सी लगे हुए ने। बट इत्थे भी इहदी अरेंजमेंट ही चेंज हुई है, नंबरिंग चेंज नहीं हुई, ठीक है। और नाउ फोर्थ दी गल करदे आ, फोर्थ दे विच वी तुसीं देख सकते हो कि इहदे विच वी 1, 2 ए ने, 1 बी है, 1 डी है एंड 2 एंड 1 3 सी हैं। सो नंबरिंग जिहड़ी एटम्स दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उह सेम ने, ठीक है। सारियां 'च काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, वह सेम आएगा। तो इत्थे तुसीं देखो ए लास्ट मैं इस तरह नूं ड्रॉ करा फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ विच तुसीं देख सकते हो कि इहदे विच बिल्कुल लोंग चेन है, ठीक है ना, 1, 2 ए ने, 1 बी है, 1 डी है एंड 3 सी ने। सो दैट मीनस कि अगर इहो जे कंपाउंड्स होण, इहो जे कोई चीज़ां होण जिन्हां दी बनतर
ठीक है ना। उन्हें देखो तुसी गल कर सकते हो सेम मोलीकुलर फॉर्मूला। मोलीकुलर फॉर्मूला का मतलब कि एटम की नंबरिंग सेम रहती है। जिदा देखो सारे केसिस की गल करिए तो ए दो ही ने हर केस दे विच, बी एक ही एटम लगा, सी तीन एटम लगे ने, डी एक एटम लगा होया। ठीक है, सो यदा मतलब ये डी एक है, ये बी एक है, सो सारिया उन्ने उन्ने ही अमाउंट के सारे एटम्स लगे हुए हैं, बट सेम नाम है उसका। बट इतने की होएगा, इतने चेंज आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ राइट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो सिंपली कहिए सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मतलब ए टू मैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला अगर बनावा तो मेरा बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ए टू बी वन सी थ्री एंड डी वन। सो मान लें यदा ना मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब ए किवें किन्ने एटम लगे, ए टू लगे, बी वन लगे, सी थ्री लगे एंड डी वन लगे। मैं मोलिकुलर फॉर्मूला लै रही हूँ किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, सो यह कंपाउंड हो गया। अगर मैं ये बनते चेंज कर दा हर स्टेप दे विच अलग 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 कर देवा तो यदा मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। यदा जो स्ट्रक्चर आ बनतर आ वो हर पांच केसों के अलग आ, बट इस केस दे विच भी यही फॉर्मूला है, इस केस दे विच भी मोलिकुलर फॉर्मूला यही आ, मोलिक्यूल का इस केस च भी, इस च भी और सारे केसिस, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनतर जी अलग अलग है, जिसके कारण जी ये प्रॉपर्टीज़ ने गुण होंगे ये नालों ए दे नालों, मतलब आपस च सारे दे जड़े गुण ने ओ एक दूसरे दे नाल नहीं मिलेंगे, ओ अलग अलग होंगे। सो यदा मतलब बनतर चेंज होने दे नाल उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ च भी थोड़ा बहुत चेंजेस यानी डिफरेंस आ जाते हैं। सो आइसोमर्स ए हुंदा या मतलब किसी भी तरह के जो कोई मोलीक्यूल है वह मोलीक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता कंपाउंड का, बट वो ही अगर वक् वक् बनतर होन उसनू असी आइसोमर्स बोल देते हैं। सो दे विच बन इन असी बनतरी समंगक बोलते हैं। आइसोमर्स का मतलब असी फिर रिवाइज कर लें, आइसो मतलब सेम यानी इक्वल पार्ट्स, मतलब इतने देखो तुसी इक्वल ने ना वो इक्वल तरह के इको जी अमाउंट दे रखन वाले, बट उन्होंने जोड़े गुण आ वो अलग अलग होंगे। सो दिस इज आइसोमर्स, इनू असी बोलते हैं बनतरी समंगक। आओ एक एग्जाम्पल करते हैं इस दे नाल। सो बच्चे असी एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं आइसोमर्स यानी बनतरी समंगक दे रिलेटिड। थोड़ी बुक दे 76 पेज दे उत्ते एक क्वेश्चन आ फर्स्ट कि पेंटेन दे तुसी किन्ने समंगक जो ने उहदे बनतरी समंगक बना सकते हो, मतलब हाउ मैनी आइसोमर्स यू कैन ड्रॉ और यू कैन फॉर्म। ठीक है, कि दे पेंटेन दे। सो इहदे विच असी देखते हैं सब तो पहला तो पेंटेन का फॉर्मूला की होंदा। सो पेंटेन यानी सो पेंटेन का फॉर्मूला असी देखिए तो यदा फॉर्मूला होएगा बच्चे फाइव तो होंदा ना पेंटेन राइट। सो सी अच्छा असं जनरल फॉर्मूले के नाल निकालते हैं सी एन एच टू एन प्लस टू एलकेन का जनरल फॉर्मूला सानू पता है तो एन की आवाज़ दैट मीनस कि एलकेन फॉर्मूले। सो पेंटेन के फाइव होंगे आ ठीक है, सो एच टू मल्टीप्लाई फाइव प्लस टू, सो ये सॉल्व होके हो जाएगा सी फाइव एच टेन प्लस टू, सो दैट मीन्स सी फाइव एच ट्वेल्व। सो द मतलब पेंटेन का जो फॉर्मूला है मोलेक्यूलर फॉर्मूला वो हैगा आ सी फाइव एच ट्वेल्व। सो बच्चे आओ अगे चलते हैं यदि एग्जाम्पल के नाल ही आप हूँ तक कर चुके हैं कि जनरल फॉर्मूले के नाल पेंटेन का जो जनरल फॉर्मूला से एल्कीन का एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला ए है, और उस तो बाद पेंटेन का असी निकालिया तो पेंटेन का फॉर्मूला मेरे को बन गया सी फाइव एच ट्वेल्व विद द हैल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला। सो मैं इतने कर दी हाँ तो दिखा दें कि समंगक बनाने समंगक दे लई पेंटेन नॉर्मल पेंटेन सब तो पहला जो भी समंगक बनाने आइसोमर्स बनाने शुरू करने तो जिन्नी लंबी चैन बन सकती है उस दी बना देनी, जिमें सी फाइव है सी नू पांच लंबी चैन च बना लेना, बाकी सारिया दे नाल सानू पता हर सी दे चार बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए कार्बन दे। सो पहले कार्बन दे
वन टू थ्री हाइड्रोजन लागे और एक ऑलरेडी कार्बन है, इस दे वन टू ऑलरेडी बने टू हाइड्रोजन। सो इसे तरह हर कार्बन के चार असी देख लेने कि कंप्लीट हुए है कि नहीं हुए। सो काउंट करके देखते हैं सी फाइव है इस केस के विच, एच कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। सो एच ट्वेल्व हो गया, सो है पेंटेन का फॉर्मूला। नाउ इतने आइए, फिर असं एक कार्बन घटा देना, एक कार्बन घटा दोगे चार रह जाएंगे, ठीक है ना। पहले जिन्ना लंबा होएगा उन्ना बना लेना, अगर इतने चार होंगे तो चार ना बना दे, इतने तीन रह जाते। हूँ ये तुम गल करो तीन रह गए, जिसका मतलब की है कि सॉरी चार रह गए ने, चार बना दते एक रह गया इदा बार, वो किसी भी कार्बन विच वाले ना लगा सकते हो तुसी, ठीक है। सो वन ये लगा दो चाहे ये लगा दो, ठीक है। सो फर्स्ट वाले ना लगा दें, नंबरिंग कर सकते हो तुसी वन टू थ्री एंड फोर, टू वाले ना लगा दो, ठीक है। इधरों काउंट करांगे तो वन एंड टू ए टू बनेगा, बट इधरों काउंट करांगे वन टू थ्री आ गया, चेंज होया। नाउ इत्थे कार्बन लगा दिता ये, हुण इस कार्बन के चार बॉन्ड कंप्लीट करने, वन टू थ्री हाइड्रोजन आ गए, एक कार्बन ऑलरेडी। इस तरह ये भी करो वन टू थ्री एंड फोर कंप्लीटिड है, इन दे वन ही लगावेंगे क्योंकि वन टू थ्री ऑलरेडी कंप्लीटिड है। नाउ काउंट द सी, सी फाइव एच कि ने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन टेन एंड इलेवन, सॉरी यदा रह गया ट्वेल्व, ठीक है। सो एच ट्वेल्व, सो दिस इज आइसोपेंटेन, ये आइसोमर आ। देखो ये भी यही फॉर्मूला, मोलीक्यूलर का फॉर्मूला बदलिया नहीं, वो सेम रहा, बट बनतर दे विच जो अरेंजमेंट चेंज आ जाएगा, जिस दे कारण ये गुणा दे विच थोड़ा बहुत फर्क जरूर होएगा। सो लास्ट वाले ये जो बन सकता है, देखो तुसी कहोगे कि मैम थ्री नाल भी जुड़ सकता है, ऑब्वियस जुड़ सकता है, बट अगर मैं थ्री दे नाल जोड़ा, मैं तुहानू एग्जाम्पल दस दिनी हाँ थोड़ी जी, कि मान लो मैं तो थ्री दे नाल जोड़ दिनी हाँ, ठीक है। सो इत्थे है सी 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 एंड सी, इस तरह ना वन टू थ्री फोर, ठीक है ना। मान लो मैं इतने जोड़ दिनी हाँ सी वाला, ठीक है, तो फर्क तो कुछ भी नहीं आना। जे मैं इधरों उ चीज़ वेख रही हाँ तो मैं इधरों काउंट करा वन टू थ्री फोर, तो मेरी सेम चीज़ ही बन रही है, जिसका मतलब मैं डबलिंग नहीं करनी उस बनतर लैके, मैं हमेशा सिंगल टर्म लैके चल रही हाँ। क्लीयर होया पॉइंट, मतलब वन टू थ्री फोर जिधर कोई अटैच रहा आप उधरों काउंटिंग शुरू कर दिया वन टू थ्री फोर। सो यदा मतलब जे इधर अटैच करता कि वन टू थ्री फोर, तो जे मैं इतों काउंटिंग करा वन टू थ्री फोर, तो ये फिर तो टू तो ही अटैच है, जिसका मतलब मैं ए तो सेम हवा जाते हैं, सो असं सिर्फ इको ही चूज़ करांगे। सो क्लियर, सो ये बन गया मेरे को आइसोपेंटेन। नैक्सट आता जी साढ़े को नियोपेंटेन, नियोपेंटेन से तुसी देख सकते हो कि है कि कार्बन सेंटर च एक दो, सॉरी असी इतने चार रखे से इतने तीन कर दो, एक होर कटा दो, एक दो तीन हो गए, ठीक है। सो एक कार्बन उत्ते लग गए, एक कार्बन उत्ते लग गए, सो कार्बन किन्ने हो गए फाइव। नाउ काउंट द हाइड्रोजन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट, ठीक है। सो हाडे ट्वेल्व होने जरूरी सी। सो इतने देखो तुसी मैं मिसटेक करी हुई है जानबूझ के, बिकॉज सी जो है ए सी दे काउंट करो वन एंड टू है ओनली, बट मेरे होने चाहिए सी राइट फोर, वन टू थ्री फोर, इसे भी सेम मिसटेक असी कर चुके हैं, सो कंप्लीट करना है, ठीक है। सो मैं इतने जानबूझ के छड़ दिया ताकि थानू समझ आ सके। सो वन टू थ्री एंड फोर, नाउ काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। सो एच किन्ने आ गए बेटा, इतने एच आ गए साढ़े को ट्वेल्व। सो तुसी देखो कि हर केस दे विच राइट, हर केस दे विच जो है मॉलिकुलर दा फॉर्मूला वो सेम रह रहा, बट उसकी स्ट्रक्चर दे विच उसकी बनतर दे विच फर्क आ रहा है। सो ए याने आइसोमर, सो पेंटेन दे किन्ने आइसोमर्स ने राइट, सो पेंटेन दे थ्री आइसोमर्स ने, ठीक है। सो ये पेज नंबर 76 ते तुहाडा एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो पेंटेन दे आइसोमर्स किन्ने ने पूछा गया, तीन है, और ड्रॉ किवें करना तुसी इत्थे बना के अपनी कॉपीज से ड्रॉ करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये नाल रिगार्डिंग मैं तुहानू एक क्वेश्चन दे रही हाँ और तुसी करना है, ठीक है। तुसी करना है के ब्यूटेन, ठीक है। सो ब्यूटेन, जो ब्यूटेन है उस दे किन्ने समंगक बन सकते हैं,
सो ब्यूटेन यानी 4 नंबर थी। मैं तुहानू इन्नी हिंट दे सकदी हाँ कि उहदे लई जो एन हुंदा है जनरल फॉर्मूला लगा के तुसीं ब्यूटेन दा फॉर्मूला बनाओ। सो एन हुंदा है ब्यूटेन लई 4। नाउ तुसीं इह यूज़ करना है, ब्यूटेन दे आइसोमर्स देखने हैं किन्ने हैं, ठीक है, और मैनू कमेंट दे विच लिख के दसना है कि ब्यूटेन दे किन्ने आइसोमर्स बन सकते हैं। सो इह सी साडा बच्चे अज दा टॉपिक, आइसोमर्स यानी बनतरी समंगक, जिस विच असीं सिखिया कि बनतरी समंगक यानी सेम इक्वल जो पार्ट्स हुंदे ने, ठीक है, इन्हां दा मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हुंदा है बट इहदा डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुंदा है, जिस दे कारण इहदी जो प्रॉपर्टीज हुंदियां ने ओह वी डिफर, अंतर उहनां 'च आ जांदा है। सो इस तो अगे असीं करांगे नॉमनक्लेचर कि किवें जिहड़ा कंपाउंड्स ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने, उहनां दा जो नामकरण है किवें आयोपैक दे अकॉर्डिंग असीं करदे हाँ, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टिल दन तुसी ए टॉपिक्स नूं दोनों नूं होमोलॉगस सीरीज ते आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप जो असी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ दे विच, ओ तुसी जरूर देखियो, और अगली वीडियो दे विच असी मिलांगे नॉमनक्लेचर दे नाल। सो टिल दन टेक केयर, थैंक यू।